हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और एलपी ब्यूटी चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आईब्रो का शेप कैसे देना है, मेकअप कैसे करना है, सब अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लुक में मैंने मतलब वो आईब्रो को बनाया, देख सकते हैं मेरी आईब्रो काफ़ी चौड़ी है और मैंने पतला शेप दिया हुआ है, कैसे दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर धूप में जाना है, इसलिए तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो आपकी स्किन पे टैन नहीं आता है और स्किन सॉफ्ट स्मूथ रहती है। तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन इस तरीके से लगाया जाता है। सनस्क्रीन जैसे बहुत मसाज नहीं करना चाहिए, बस एक लेयर सी बना के स्किन पर छोड़ देनी है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो अच्छे से जब आपका सनस्क्रीन मिक्स हो जाए, देखा आपने मैंने पूरा अच्छे से मिक्स नहीं किया, थोड़ा सा पतला लेयर बना के ऐसे छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद ही अपने आप मिक्स हो जाएगा स्किन में। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे लैक्मे 925 का फाउंडेशन ले रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, गर्दन पे, फेस पे, जो जो एक्सपोज एरिया है सब इक्वल दिखना चाहिए, तो सब जगह अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपने हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का यूज कर सकते हैं। और ये इसके बाद से मैं यहाँ पे कंसीलर यूज करूँगी, जहाँ जहाँ मेरे को मुझे डार्कनेस है तो मैं पूरे फेस पे ही थोड़ा सा कंसीलर यूज करूँगी। और मेरे को आई, अंडर आई के नीचे डार्कनेस है तो मैं उसको वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मैं यहाँ पे ओलिविया का कंसीलर यूज कर रही हूँ, मैंने इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था। मैंने यहाँ पर अपने आईब्रोज को ढका है क्योंकि मुझे आईब्रो को थोड़ी पतली दिखानी है, तो अभी पूरी अच्छे से आईब्रो ढक नहीं पा रही है। अगर आपको अच्छे से पूरा ढक के एकदम पतला शेप देना है तो आप उसको उसके लिए लिक्विड कंसीलर लगाएंगे तो उससे अच्छे से ढक जाएगा, फिर आप जो भी आईब्रो के शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। मुझे मेरे पास यहाँ पे लिक्विड का कंसीलर नहीं था तो मैंने इसी से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट टाइम मैं लिक्विड कंसीलर लेके उससे भी अप्लाई करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी आईब्रोज को अलग अलग शेप में कैसे दिया जाए इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज की मदद से फाउंडेशन कंसीलर मिक्स करने वाला स्पॉन्ज है, इससे इसकी मदद से मैंने अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो अभी मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे टीवाई का मैंने मेकअप किट में से ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस टाइप का होता है ये, तो अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। जब कॉम्पैक्ट पाउडर आपका अच्छे से लग जाए तो हम यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज करेंगे। तो मेरे को अभी और पतला दिखाना है तो उसके लिए मैं दोबारा से कंसीलर आईब्रो पे अप्लाई करके देखती हूँ कहीं आईब्रो ढक जाए, अगर नहीं ढकेगी तो हम लोग ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं दोबारा से लगा रही हूँ, लेकिन ये लिक्विड कंसीलर नहीं है तो इसके नहीं ढकेगा, फिर से ब्लेंड कर लेना अच्छे से। ये देख लीजिए पूरा दिख रहा है मेरा आईब्रो का शेप, तो आप लिक्विड कंसीलर यूज करेंगे तो अच्छे से ढक जाएगा और आपका आईब्रो पूरा छिप जाएगा, फिर आप जो शेप चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं उसके लिए अलग अलग वीडियोज बना के आप लोग को समझाती रहूँगी, फिर भी मैंने थोड़ा पतला शेप दिया हुआ है। यहाँ पर कंसीलर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए स्किन में, पैचेस नहीं दिखनी चाहिए नहीं तो मेकअप आपका बाद में ख़राब हो सकता है इसके लिए। तो मेरा फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा गाइस। मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल पलके भी यूज़ किए हैं, आप चाहें तो मैंने उसका इसमें वीडियो में शूट नहीं किया है तो आप कहेंगे तो मैं उसका नेक्स्ट टाइम अलग से वीडियो बना के बता दूँगी कि किस तरीके से आपको आर्टिफिशियल पलके लगानी चाहिए तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो देखिए मेरी आईब्रोज पतली दिख रही हैं, उसके बाद से मैंने इसको आईब्रो पेन ब्रश की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद आईब्रोज के ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा कंसीलर दोबारा से लगाया आईब्रो को अच्छी सी शेप देने के लिए। तो ये हो गया आईब्रो का शेप अच्छे से हो गया, इसको अच्छे से कंसीलर को मिक्स कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप बहुत ही
लाइट मेकअप किया है क्योंकि दिन का टाइम है तो हमको बाहर जाना है इसलिए, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करके आपको जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके लिए। तो ये आईब्रो हमारा ये अच्छे से शेप में आ चुकी है। अभी आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पिंक शेड का आई शेडो यूज करूँगी। मैंने मेकअप किट में से ही आई शेडो यूज किया है। अगर आपके पास अलग से हो तो आप यूज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेकअप किट से ही TYA का मेकअप किट है, अच्छा ब्रांड है और बहुत ही कम बजट का भी है तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई अच्छा वाला ब्रांड हो तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपकी जो क्रीज लाइन है वहाँ से आपको आई शेडो को अप्लाई करना है, डार्क कलर को। कभी भी आईज के फ्रंट कॉर्नर पे आपको डार्क कलर यूज नहीं करना है, लाइट कलर यूज करना है, और बाहरी कॉर्नर पे आपको डार्क कलर यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। उसके बाद भी ये साइड फ्रंट कॉर्नर पे लाइट कलर यूज कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीमर यूज करेंगे। सीमर से हमारी आँखों का मेकअप बहुत सुंदर दिखता है, उसमें थोड़ा सा शाइनिंग होता है इसलिए। तो फ्रंट कॉर्नर पे मैंने लाइट कलर का सीमर यूज किया, डार्क बाहरी कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क कलर का यूज किया है। तो मैं अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये है, इस तरीके का लुक आया है। तो अभी यहाँ पे लाइनर लगाएंगे। तो आईब्रोज के नीचे हाइलाइटर जरूरी है, तो प्लीज़ गाइस इसको स्किप मत कीजिएगा, लगा लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपको हाइलाइटर लगा लेना है और आईज के फ्रंट कॉर्नर पे भी हाइलाइटर लगा लीजिए। इसकी आपकी इससे आपकी आँखें काफ़ी अच्छी दिखती हैं। तो आईब्रो पेंसिल से एक आईब्रो की मदद से एक बार आईब्रो को दोबारा से सेट कर ले रही हूँ। तो ये आई मेकअप का अभी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे लाइनर मस्करा अप्लाई करेंगे। तो 2-in-1 यहाँ पे मैंने लाइनर मस्करा यूज किया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ आईब्रोज के नीचे। हाइलाइटर यूज करने से हमारी आईज का शेप बहुत अच्छा दिखता है और आईज दबी दबी नहीं दिखती है। तो हाइलाइटर को स्किप नहीं करना है, तो उसको जरूर ट्राई की लगाइएगा जरूर हाइलाइटर जब भी आप आई मेकअप करते हैं। तो और मेकअप करते हैं तो अपने टी जोन एरिया, चिक पे, थोड़ी पे, अपर लिप्स पे हाइलाइटर जरूरी होता है। तो प्लीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज कर लिया है। ये देखिए मेरा आईज का मेकअप आईज के फ्रंट कॉर्नर पे आईब्रोज के नीचे अच्छे से अप्लाई करके, ये देखिए इस तरीके का मेकअप हुआ है। तो यहाँ पे मैं गालों पे भी थोड़ा सा हाइलाइटर यूज सॉरी ब्लश यूज करके हाइलाइटर यूज करूँगी। तो मैं यहाँ पे नोज को पतली दिखाने के लिए आई शेडो किट में से ही थोड़ा सा अपने स्किन से वन साइड डार्क कलर आईज के दोनों कॉर्नर पे यूज करूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आईज नोज के बीच के हिस्से पे हाइलाइटर यूज करेंगे तो इससे आपकी नाक थोड़ी पतली दिखेगी और अच्छा शेप आएगा इसके लिए। तो गाइज मेकअप कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो गालों पे भी आपको हाइलाइटर यूज करना है, इससे आपका मेकअप ग्लोसी और शाइनिंग अच्छा दिखता है इसके लिए। मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर भी यूज़ किया है। मेकअप फिक्सर भी आपको अवॉइड नहीं स्किप नहीं करना है तो उसको भी यूज कीजिएगा। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्या यूज किया है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मस्करा यूज कर रही हूँ, वाटरप्रूफ मस्करा है। तो यहाँ पे अच्छे से मस्करा यूज हो गया। मैंने अपने आई लेसेस को आर्टिफिशियल आई लेसेस यूज किए हैं, उसमें फाइनल लुक में आपको दिखेगा। और आपको अगर ना समझ में आए तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको कैसे आपको लगाना है आर्टिफिशियल आईलेस तो उसका वीडियो अलग से बना के बता दूंगी। तो अगर आपको सीखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको लाइनर अप्लाई करना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
तो दोनों आंखों पे लाइनर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। लाइनर अप्लाई करने के लिए आपका जो कट लाइन और आईब्रो का लास्ट कॉर्नर होता है उसके बीचों बीच आपको लाइनर अप्लाई करना होता है, और इस तरीके से ला के आपको फ्रंट कॉर्नर से आईज के मिक्स दोनों को मिला लेना होता है, तो अच्छे से आपका लाइनर का शेप बन जाएगा और अच्छे से लाइनर लग पाएगा। तो इस तरीके से मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया। दोनों आंखों पे आपको लाइनर इक्वल अप्लाई करना है, और मैं आईज के लो वाटर लाइन पे भी मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। तो दोनों आईज पे एकदम इक्वल लाइनर लगाने के बाद से आपको आईज के लोअर लैश लाइन पे भी आईब्रो लाइनर लगा लेना है। इसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। अभी नीचे वाटर लो वाटर लाइन पे भी लो लैश लाइन पे लाइनर लगा लेना है। कभी भी आपको काजल वाले एरिया पे लाइनर नहीं लगाना चाहिए, उससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। जो आपका लैश लाइन होता है उसी पे आपको लाइनर अप्लाई करना है। तो दोनों आईज पे इस तरीके से आपको लगा लेना है। ओके तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आर्टिफिशियल लैशेस लगा के फाइनली लुक लास्ट में दिखाऊंगी वीडियो के एंड में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे आउटलाइनर भी, पहले आउटलाइनर से आप अपने लिप्स का अच्छे से शेप बना लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। उसके बाद आपको जो कलर का शेड लगाना हो वहाँ पे आप इसको अच्छे से शेप बनाने के बाद से आपको जिस कलर का शेड का लिपस्टिक लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो इससे आपकी लिपस्टिक बाहर नहीं जाएगी, आपको पता रहेगा किसी एरिया में आपको लिपस्टिक लगानी है। तो इधर से मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, तो मैं फिर से इक्वल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 0.1 शेड का लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। बहुत ही प्यारा कलर है, आप देख सकते हैं। मैं लगाऊँगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। ये देखिए रेड कलर है, इस तरीके से अप्लाई कर लिया। बहुत ही सुंदर शेप आया है। आप इस तरीके से अगर लिपस्टिक का शेप बनाते हैं तो आपके लिप का शेप भी बहुत सुंदर लगेगा और लिपस्टिक भी बहुत प्यारी लगेगी। तो आप ये वाला हैक यूज कर सकते हैं लिपस्टिक लगाते वक्त। तो ये मेकअप कंप्लीट है लगभग, तो फाइनल लुक मैं अभी दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये देख लीजिए फाइनल आई मेकअप, लिप मेकअप, पूरा फाइनली मेकअप। अभी मैं हेयर बाल को अच्छे से कॉम करके, और हाँ जब आप पूरा मेकअप कर लेते हैं एक बार कॉम्पैक्ट पाउडर जरूर लगाइए लिप्स के आसपास के एरिया में, इससे आपका लिप का शेप अच्छा दिखता है। और ये मेकअप फिक्सर है, तो इसको मैं पूरे फेस पे आईज को ढक के पूरे फेस पे मेकअप फिक्सर को अप्लाई कर लेना और अच्छे से सुखा लेना है। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होता है। प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा आई मेकअप है, ये है फाइनल लुक। अभी दिखाती हूँ मैं, इस तरीके का मेकअप हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये आई मेकअप है। अभी मेकअप अच्छे से सेट नहीं हुआ, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के बाद से आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल लैसेस लगाई हैं, अब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा इस, और लिप मेकअप भी दिखाऊंगी, तो देखते रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपको आर्टिफिशियल आईलैश लगाना सीखना हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से समझा के बता दूंगी कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये है आई मेकअप और ये है लिप मेकअप। देख सकते हो कितना प्यारा शेप बना है लिप्स का। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। आई होप आई हेल्पफुल रहा हो आपके लिए वीडियो। और ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक की थी तो उसकी भी वीडियो फ़ोटो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है ताकि आपको अच्छे से दिख पाए मेरा फाइनल लुक। और ये है मेरा फाइनल लुक, इस तरीके की साड़ी बांधी हुई है मैंने मेकअप करने के बाद से। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो कि मैंने मेकअप कैसे किया हो और किस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से आपको अपना लुक क्रिएट करके दिखाया हुआ है, वॉक भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। और हाँ, आप लोग को और कुछ भी सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।